हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी दिस इज मी अर्जिता एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में एक सेकेंड सॉरी hmm, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने वाले हैं द फेमस शीना बोरा मर्डर केस के बारे में देखिए हमारे देश में शायद ही कोई होगा जो शीना बोरा या फिर इंद्रानी मुखर्जी का नाम जो है वो नहीं जानता होगा ये जो पूरा मर्डर केस है ये किसी मूवी के प्लॉट से कम नहीं है इस इस मर्डर केस में आपको हर तरीके का मिर्च मसाला हर तरीके के नए-नए खुलासे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे एंड द एक्साइटिंग थिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थिंग इज कि रिसेंटली यानी कि कल ही के दिन इंद्रानी मुखर्जी शीना बो, आ, बोरा मर्डर केस जो है इसी पे बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई है इसने इस डॉक्यूमेंट्री का रिलीज होना भी बहुत आसान नहीं था क्योंकि सीबीआई ने जो है डॉक्यू डॉक्यूमेंट्री के रिलीज पे जो है एक तरीके का प्रतिबंध मांगा था रोक मांगा था यह कहते हुए कि क्योंकि इस केस का ट्रायल अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है राइट तो ऐसे में इस डॉक्यूमेंट्री का बाहर आना प्रॉब्लम हो सकता है जो करंट ट्रायल चल रहा है केस का लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर भी इस डॉक्यूमेंट्री को एक गो थ्रू दे दिया है और कल इस डॉक्यूमेंट्री को नेटफ्लिक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट जो है वो किया जा चुका है और एक और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आपको बताऊं इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड तो वो ये है कि खुद इंद्रानी

फ्लिक्स के ऊपर बट क्योंकि सीबीआई की ये डिमांड थी कि इस डॉक्यूमेंट्री को ना रिलीज होने दिया जाए इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज होने में थोड़ा टाइम हो गया लेकिन कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए यहां पे हरी झंडी जो है वो दे दी थी ये कहते हुए कि हमें हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है तो डॉक्यूमेंट्री में कुल मिला चार एपिसोड है जिसमें पूरा शीना बोरा मर्डर केस जो है वो एक्सप्लेन किया गया है तो यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट का यही कहना था कि हमें इस केस में ऐसा डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो हमें लगे कि फेटल हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से अब विटनेसेस के लिए या एक्यूज़ के लिए या कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है उसके लिए किसी भी तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है राइट तो शीना बोरा मर्डर केस के बारे में बात करेंगे बट उससे पहले गाइज अगर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप मेरे साथ इन दोनों दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही पर भी, भी कनेक्ट कर सकते हैं सो so दैट अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ पाए एंड uh, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं जुडिशरी एग्जाम्स को लेके या फिर uh, मेरे वीडियोस को लेके वो भी सब कुछ आपको टेलीग्राम के थ्रू पता चलता रहेगा इसके साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखिएगा दैट स्टडी आई क्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर सिक्स है वो ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुका है इस बैच में आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं Means तीनों की आपको करवाई जाती है वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही प्राइज है लेकिन ये प्राइस तक रहेगा? ये कोई नहीं जानता। तो अगर आपको इनरोल करना है जल्दी से एनरोल कर लीजिए बाईजिंग माई डिस्काउंट कोड दैट इज एआर right? राइट एक बार बाकी सेशन के एंड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि बैच कहां पे है किस तरीके से आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं एंड क्या क्या चीजें में में करने के के साथ आपको दी जाती ठीक है देखिए शीना बोरा मर्डर केस के बारे में बात करें उससे पहले ऑब्वियसली ये जान लेना चाहिए कि इंद्रानी मुखर्जी कौन है मतलब ऑब्वियसली मर्डर केस की जो प्राइम एक्यूज हैं उनके बारे में तो हमको पता ही होना चाहिए देखिए शीना सॉरी इंद्रानी मुखर्जी जो है इनका जन्म हुआ था गुवाहाटी में इनके पेरेंट्स जो हैं उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा थे यहां पे देखिए बताया जाता है कि इनका जो चाइल्डहुड था इनका जो बचपन था काफी ज्यादा ट्रोमैटिक जो है वो रहा है काफी डिसफंक्शनल टाइप की फैमिली जो है वो रही है है ना और बताया जाता है कि कई बार इनके ऊपर जो है असोल्ट भी किया जाता था इनके फादर के द्वारा जो कई बार ड्रंक पोजिशन में जो है वो होते थे लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग लोगों के लिए तब था जब इंदिरा मुखर्जी ने खुद पब्लिकली आके इस चीज के बारे में बताया कि दो बार उनके साथ बचपन में उनके फादर ने रेप भी किया था तो द फर्स्ट टाइम उनके साथ रेप कमिट हुआ था शी ओल्ड एंड दूसरी बार जब वो सोलह साल की थी तब उनके साथ सेकेंड टाइम यहां पर रेप कमिट किया गया था द इंटरेस्टिंग थिंग हेयर इज कि जो ये दूसरा वाला रेप उनके साथ हुआ था जब वो सोलह साल की थी उस टाइम पे शी गॉट प्रेगनेंट तो ये जो शीना बोरा मर्डर केस है जिसमें स्टार्टिंग में लोगों को लगा था कि शीना बोरा मुखर्जी की बहन है क्योंकि इंद्रानी कि इंद्रानी मुखर्जी की बेटी थी जो सेकंड टाइम उनके फादर ने उनका रेप किया था दैट टाइम इंद्रानी मुखर्जी गॉट प्रेग्नेट एंड दैट इज वेन She had शीना बोरा यहाँ पे उसके बाद आ, क्योंकि वो उसी घर में इंद्रानी मुखर्जी उसी घर में नहीं रहना चाहती थी जहाँ पे उनका कहना है कि मेरे रेपिस्ट रहते थे तो इंद्रानी मुखर्जी घर छोड़ के शी मूव टू कैलकटा कुछ समय इन्होंने कैलकटा में बिता बिताया उसके बाद शी मूव टू मुंबई और मुंबई में जाके काफी बड़ी हस्ती वो बन गई को फाउंडर और सीईओ बन गई थी किसकी आई एन एक्स मीडिया की अब देखिए इस पूरे केस में जो मुंबई पुलिस है मतलब मुंबई पुलिस जिन्होंने इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन किया था जितना डिफिकल्ट मुंबई पुलिस के लिए इस मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करना था उतना ही डिफिकल्ट मुंबई पुलिस के लिए इंद्राणी मुखर्जी के परिवार को भी समझना था क्योंकि जैसे जैसे इस केस का मतलब शीना बोरा मर्डर केस हुआ था दो में और दो से पुलिस जो है पूरी तरीके से एक्टिव हुई थी और जैसे जैसे दो के बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया गया वैसे वैसे पुलिस के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था यहां पे समझना कि एक्जैक्टली exactly पति कौन है, करता है आगे के के अंदर में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंद्राणी मुखर्जी जब सोलह साल की थी दैट टाइम शी गॉट प्रेग्नेंट द फर्स्ट टाइम ठीक है वहां से बताया जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी का जो सबसे पहला बच्चा था वही थी शीना बोरा जो कि आई थी जब उनके फादर ने उनका यहां पे रेप किया था उसके बाद बताया जाता है कि मुखर्जी जो है, उन्होंने सिद्धार्थ दास नाम शादी हुई थी या नहीं हुई थी बट पर्सन बाय द नेम ऑफ सिद्धार्थ दास से उनका एक और बच्चा होता है इंटरेस्टिंग चीज इस केस में यह है कि जिस दिन शीना बोरा का मर्डर हुआ उस दिन बताया जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने निखिल मिखेल बोरा जो कि उनका सेकंड चाइल्ड था उसको भी मारने की कोशिश की उसको भी मर्डर करने की कोशिश की थी इसके बाद बोला जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी जब कैलकटा गई थी तब इन्होंने संजीव खन्ना नाम के एक पर्सन से शादी की जिससे इनकी एक और बेटी हुई दैट इज विधि खन्ना और फिर संजय खन्ना से अलग होने के बाद इंद्राणी मुखर्जी करती हैं तीसरी शादी दैट इज विद पीटर मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से इनके दो और स्टेप सन होते हैं राहुल मुखर्जी और रबिन मुखर्जी अब यहां पे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कहानी के आगे एक पार्ट को समझने के लिए राहुल मुखर्जी का नाम यहां पे ध्यान रखिएगा क्योंकि यही बताया जाता है कि इस मर्डर को शीना बोरा मर्डर केस को करने का जो मेन मोटिव था जो मेन रीजन था वो यही था कि शीना बोरा जो थी इंद्राणी मुखर्जी की सबसे पहली बेटी और जो उनके तीसरे पति से उनका बेटा था राहुल मुखर्जी दीज टू पीपल डेटिंग तो शीना बोरा और राहुल मुखर्जी जो हैं ये आपस में रिलेशनशिप में थे ये रिलेशनशिप में भी रहते थे ठीक है एंड इसके साथ साथ इनकी इंगेजमेंट भी हो गई थी और यही बात इंद्रानी मुखर्जी को अच्छी नहीं लगती थी शी वॉज नॉट ओके विद द फैक्ट कि उनकी जो बेटी है वो उनके स्टेप सन के साथ जो है डेट कर रही है रह रही है और यही बात कहीं ना कहीं पीटर मुखर्जी को भी अच्छी नहीं लगती थी और इसी की वजह से बोला जाता है कि इंद्रानी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी ने और जो इंद्रानी मुखर्जी के सेकेंड हस्बैंड थे संजीव खन्ना इन तीन चार लोगों ने मिलकर ये पूरी कॉन्स्पिरसी यहाँ पे की थी कि, कि किस तरीके से शीना बोरा का हमको क्या करना है यहाँ पे मर्डर करना है ठीक है तो इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंद्राणी मुखर्जी ने यही बताया है कि जब वो अठारह साल की थी तभी वो मां बन चुकी थी ठीक है उनकी पहली बेटी जो है शीना बोरा वो उनके फादर के रेप करने की वजह से हुई थी उसके बाद वो मिलती है सिद्धार्थ दास से जो कि उनके फॉर्मर पार्टनर हैं और वहां से पैदा होते हैं मिखेल बोरा उसके बाद इंद्रानी मुखर्जी जो है ये चली जाती हैं ये कैलकटा और कैलकटा में ये जाती हैं और संजीव खन्ना से शादी करती हैं वहां से इनकी दूसरी बेटी पैदा होती है विधि मुखर्जी और उसके बाद उसके बाद जो है तीसरी शादी वो करती हैं पीटर मुखर्जी से तो देखिए ये जो शीना बोरा थी या फिर मिखेल बोरा थे जो इनके पहले दो बच्चे थे इंद्रानी मुखर्जी के बताया ये जाता है कि मिखेल बोरा और शीना बोरा को अपनी लाइफ के काफी लंबे समय तक ये नहीं पता था कि उनकी मां असल में है कौन क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी अपने इन दोनों बच्चों को अपने माता पिता यानी कि नाना नानी के पास छोड़ के जो है वो कैलकटा चली गई थी तो शीना बोरा और मिखेल बोरा इन दोनों को ऐसा ही लगता था कि भाई हमारे माँ बाप है नहीं या हमको पैदा करके जो है वो छोड़ के चले गए हैं किसी रीजन की वजह से तो बहुत लंबे समय तक जो है शीना बोरा अपने नाना नानी के साथ ही यहाँ पे रहती थी ठीक है लेकिन होता यह है कि दो में इन द ईयर 2005 जब शीना बोरा बड़ी हो जाती हैं तो इनको पता चलता है कि भाई इनकी जो माँ है वो है इंद्रानी मुखर्जी और अपनी मा से मिलने के लिए अपनी से बॉन्ड करने के लिए शीना बोरा जो है वो मुंबई यहां पे आती हैं अब जब वो मुंबई आती हैं पे तो ऐसे में उनको पीटर मुखर्जी का जो है वो बेटा मिलता है राहुल मुखर्जी और उनके साथ वो डेट वगैरह करना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं और इसी को कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन इस केस के अंदर में बताया गया है मर्डर करने का अब जानते हैं देखिए कि यहाँ पे Exactly murder, कब और किस तरीके से किया गया है तो देखिए चौबीस अप्रैल सॉरी 24 अप्रैल 2012 की बात है तो ये वो समय है 24 बारह 2000 अप्रैल जब शीना बोरा मुंबई आ चुकी है 2005 में वो मुंबई आ गई थी और शीना बोरा जो है वो आ, इंद्रानी मुखर्जी के जो तीसरे पति हैं पीटर मुखर्जी उनके बेटे को डेट कर रही थी उनके साथ इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इन दोनों की यहाँ पे सगाई भी हो चुकी थी तो कुछ ऐसा बताया जाता है क्योंकि देखिए शीना बोरा के जो ये बॉयफ्रेंड और इन पार्टनर थे राहुल मुखर्जी वो भी इस केस के एक मेन विटनेस थे एक मेन आई विटनेस थे तो इन्होंने यहां पे बताया कि 24 अप्रैल को मैंने शीना बोरा को मुंबई में जो बांद्रा एरिया है जो लिंकिंग रोड एरिया है बाड्रा का मैंने वहां पे उनको ड्रॉप किया था आ, इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी बेटी को मिलने के लिए बुलाया था तो राहुल मुखर्जी ने खुद अपनी आ, आ, अपनी गर्लफ्रेंड को शीना बोरा को वहां पे ड्रॉप किया उस समय राहुल मुखर्जी बताते हैं कि जब मैंने उसको वहां पे ड्रॉप किया था तब गाड़ी में इंद्रानी मुखर्जी बैठी हुई थी जो इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर था वो गाड़ी में बैठा हुआ था और एक तीसरा पर्सन भी बैठा हुआ था जिसे मैं नहीं जानता और यही तीसरा पर्सन बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में संजीव खन्ना निकला इंदिरा इंद्रानी मुखर्जी का दूसरा पति जिन्होंने मिलकर उनके साथ यहां पर क्या किया था मर्डर किया था उस दिन के बाद ऐसा हुआ कि चौबीस अप्रैल दो के बाद आ, शीना बोरा का कोई अता पता नहीं था तो राहुल मुखर्जी जो कि इनके बॉयफ्रेंड थे इनको ये बात बात बहुत अटपटी सी लगी कि भाई एक लड़की ऐसी रातों रात एकदम से गायब हो जाती है और परिवार में से कोई भी पर्सन वरिड नहीं है कोई भी चिंता नहीं कर रहा है उसके लिए तो राहुल मुखर्जी बार बार अपने पिता को पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी को बार बार कहते हैं कि हमें उसे ढूंढना चाहिए हमें इस मामले में जो है एफ वगैरह लिखवानी चाहिए लेकिन इंद्रानी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी राहुल मुखर्जी को यह कहके टाल देते हैं कि भाई शीना बोरा जो है

23 में 2012 को पुलिस को जो है एक बॉडी बरामद होती है रायगढ़ करके एक जगह है महाराष्ट्र में वहां पे पर जंगल बना हुआ है वहां पे एक आदमी कॉल करके पुलिस वालों को बताता है कि एक लाश जो है वो मिली है ठीक है जली हुई लाश जो है वो बरामद हुई है तो पुलिस वहां पे पहुंचती है और पुलिस जो है वो शीना बोरा की जो डेड बॉडी होती है उसको देखती है और फॉर सम रीजन बताया जाता है कि पुलिस उस डेड बॉडी को वहां पे दफना के चली जाती है जंगल के अंदर में इसके बाद 21 अगस्त 2015 तो हुआ यह कि 2013 से लेकर अगले तीन साल तक 2015 तक इस केस में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ किसी को भी पता नहीं चला कि शीना बोरा जो है वो गायब हो चुकी है इंद्रानी मुखर्जी ने उनका मर्डर किया है जैसा कि बोला जाता है लेकिन फिर इंद्रानी मुखर्जी के जो ड्राइवर थे जो कि उस समय मैं, मैंने जैसे कि आपको बताया जो गाड़ी में उस समय बैठे हुए थे जब राहुल मुखर्जी ने शीना बोरा को ड्रॉप किया था इन इनके ड्राइवर को जिसका नाम है श्यामवर राय इनको एक अलग ही केस में एक कंप्लीटली डिफरेंट अनरिलेटेड केस में इन वेपन के केस में इनको जो है पुलिस यहां पे हिरासत में लेती है अब देखिए पुलिस वालों का यहां पे यह कहना है कि जब कोई भी इंसान पुलिस वालों के सामने जाता है तो वो थरथराने लगता है वो कांपने लगता है वो डरने लगता है तो श्यामवर राय से जब उनके ये इलीगल वेपन वाले चीज को लेके पूछताछ वगैरह की गई तो अपने आप डर के उन्होंने यहाँ पे क्या किया उन्होंने यहाँ पे शीना बोरा के मर्डर केस के बारे में भी बता दिया उन्होंने पुलिस को खुद ही यहां पे खुलासा कर दिया कि, कि किस तरीके से 24 अप्रैल 2012 को मैंने मतलब ड्राइवर ने संजीव खन्ना इंद्राणी मुखर्जी के सेकंड हस्बैंड ने और इंद्राणी मुखर्जी ने खुद ने हम तीनों लोगों ने जाके क्या किया था एक गाड़ी के अंदर में शीना बोरा का जो है वो मर्डर किया था और उसके बाद मर्डर करके बॉडी को जला के हम क्या कराए थे रायगढ़ के जंगलों में जाके फेंक के आ गए थे तो यहां पे ड्राइवर ने बताया कि देखिए काफी अच्छी खासी लंबी प्लानिंग के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने ये मर्डर यहां पे करवाया था इन्होंने प्रॉपर जाके जंगल वगैरह देखा था कि कहां पे जाके बॉडी फेंकनी है कहां पे जाके बॉडी डिम्पो जो है वो डिकम्पोज करनी है और 24 अप्रैल 2012 को जब राहुल मुखर्जी ने शीना बोरा को ड्रॉप किया उसके बाद इन्होंने शीना बोरा को कुछ खिला विला दिया था कुछ सिरेटिव वगैरह जो है वो दे दिए थे जिससे शीना बोरा बेहोश हो गई थी उसके बाद एक सुनसान जगह पे ले जाके आ, संजीव खन्ना ने उनका गला घोटा उनको मार दिया गया और उसके बाद इन तीनों ने जाके अः क्या किया उनकी बॉडी को पहले अः इंद्रानी मुखर्जी के बंगले में जाके छुपा दिया और उसके बाद अगले दिन जाके इन्होंने बॉडी को जला के क्या कर दिया जंगल में ले जाके जो है वो फेंक दिया यहाँ पे अब इसके बाद यह होता है कि जब ड्रा, ड्रा, ड्राइवर श्यामवर राय इस तरीके का खुलासा करता है तो 25 अगस्त 2015 को यहां पे इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके ठीक अगले दिन इंद्राणी मुखर्जी के जो एक्स हस्बैंड हैं संजीव खन्ना क्योंकि ड्राइवर ने बताया कि यह मर्डर दो लोगों ने मिलकर किया है इंद्रानी मुखर्जी और उनके जो सेकंड हस्बैंड थे संजीव खन्ना तो अगले दिन पुलिस जो मुंबई पुलिस की टीम है वो कोलकाता के लिए रवाना होती है और कोलकाता से संजीव खन्ना को भी अरेस्ट जो है वो कर लिया जाता है उसके बाद पुलिस जो है वो दोनों पार्टी से यहाँ पे जो है वो मिलकर पूछताछ वगैरह करती है पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह यहाँ पे करती है इसी बीच में सेप्टेंबर के मंथ में एक नया खुलासा होता है ठीक है सेप्टेंबर के मंथ में एक नया खुलासा यहां पे होता है जहां पे इंद्रानी मुखर्जी के जो पहले एलिजिड पार्टनर बोले जाते हैं खैर आज तक इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आ नहीं पाया है कि सिद्धार्थ दास एग्जैक्टली इंद्रानी मुखर्जी के थे क्या बॉयफ्रेंड थे इन पार्टनर थे या फिर हस्बेंड थे तो खैर जो भी थे तो सेप्टेंबर 2015 में सिद्धार्थ दास नाम का एक पर्सन कोलकाता से ये क्लेम करता है कि भाई शीना बोरा जो है वो मेरी ही बेटी थी तो मिखेल बोरा और शीना बोरा दोनों मेरी ही बच्चे थे लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंद्रानी मुखर्जी ने खुद ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा है कि मिखेल बोरा जो है वो सिद्धार्थ दास का बेटा था जो मेरा और सिद्धार्थ दास का बेटा था वो था मिखेल बोरा सीना बोरा सिद्धार्थ दास की बेटी नहीं है वो मेरे फादर से जन्मी हुई बेटी है जब उन्होंने मेरा 16 साल की उम्र में यहां पे रेप किया था इसके बाद ये जो केस है आपका तो देखिए बीच में इस केस में जो है कुछ इस तरीके की भी बातें उठी थी कि आ, जो इंद्रानी मुखर्जी के तीसरे हस्बैंड थे उस टाइम पे पीटर मुखर्जी उनको भी इस केस में जो है वो ले लिया जाता है कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपकी जो वाइफ है Uh, वो इतना बड़ा मर्डर कॉन्स्पिरसी यहां पे क्लेम प्लान uh, करके चली गई और आपको एज अ हस्बैंड पता भी नहीं चला उस चीज के बारे में तो होता यह है कि उस टाइम मीडिया uh, में इस तरीके की खबरें जो हैं वो काफी उठने लगती हैं कि पीटर मुखर्जी को बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पीटर मुखर्जी एक बहुत ही बड़े आदमी थे एक बहुत ही बड़ी हस्ती थे हमारे देश की तो ऐसा खबरें जो है वो आने लगी कि मुंबई uh, पुलिस के जो कमिश्नर थे उस टाइम पे मिस्टर uh, मारिया वो यहां पे खुद पीटर मुखर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उस टाइम पे यही बातें बताई जाती हैं कि भाई मिस्टर uh, मारिया जो थे उनको हटा दिया गया था इस केस से और ताकि इस पूरे मर्डर केस की एक एक निष्पक्ष इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन इसका किया जा सके इसके लिए इस केस को किसको ट्रांसफर किया गया महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया उसके बाद दो में सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल करती है इंद्रानी मुखर्जी और ड्राइवर के खिलाफ और इनके साथ साथ सीबीआई ये भी कहता है कि भाई इस मर्डर कॉन्स्पिरसी में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के जो सेकंड हस्बैंड हैं वो भी यहां पे इन्वॉल्व थे तो ऐसा ही बताया जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी जो हैं ये और इनके तीसरे पति पीटर मुखर्जी दोनों ही इस बात से खुश नहीं थे कि शीना बोरा और राहुल मुखर्जी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और शादी करने का प्लान कर रहे हैं इंगेज भी हो चुके हैं यहाँ पे एंड बताया जाता है कि भाई इसी के चलते इंद्रानी मुखर्जी ने संजीव खन्ना को भी इस में इन्वॉल्व कर लिया और फिर इन चारों लोगों ने मिलकर यहाँ पे जो है वो मर्डर किया है फिर जनवरी और फेबर 2017 की यहाँ पे बात है प्रॉपर ट्रायल वगैरह आपका यहाँ पे चलता है और सीबीआई कोर्ट जो है यहाँ पे स्पेशल सीबीआई कोर्ट जो है वो इंद्रानी मुखर्जी पीटर मुखर्जी संजीव खन्ना और जो ड्राइवर होता है उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी, किडनैपिंग सबूत गवा करना डिस्ट्रॉयिंग एविडेंस गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और मर्डर के जो चार्जेस हैं वो लगाते हैं यहां पे शीना बोरा के तो कुल मिला के तो देखिए ये कहानी है 2017 तक आपका यही हुआ था एंड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं वो यही है कि 2022 में यानी कि आज से 2 साल पहले साढ़े छह सात साल जेल में बिताने के बाद शीना बोरा को जो है वो बेल पे रिलीज भी कर दिया गया था तो फिलहाल शीना बोरा जो है वो बाहर हैं बेल पे तभी वो नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यूमेंट्री में भी आपको देखने को मिलेंगी प्लस देखिए अगेन अभी भी इस केस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं अभी भी इस केस में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनका आज तक किसी को जवाब नहीं मिल पाया है लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं कि भाई एग्जैक्टली इंद्रानी मुखर्जी ने ऐसा किया क्यों था मतलब जब ये बात क्लियर हो गई थी कि शीना बोरा उनकी बेटी है उनकी बहन नहीं है तो एग्जैक्टली क्योंकि वही बात है ना कि हमारे देश में मां का जो दर्जा होता है वह बहुत, बहुत बड़ा होता है यही बोला जाता है कि भाई कोई मां अपने बच्चे को नहीं मार सकती तो लोगों का यही सवाल था कि एग्जैक्टली exactly इंद्रानी मुखर्जी ने यहां पे या पीटर मुखर्जी ने या संजीव खन्ना ने इन सब ने मिलकर इस मर्डर को यहां पे क्यों प्लान किया तो यहां पर देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो मेन रीजन बताया जाता है वो यही है कि शीना बोरा जो है वो अपने स्टेप ब्रदर राहुल मुखर्जी यानी कि पीटर मुखर्जी के बेटे के साथ जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में थी दोनों सगाई भी कर चुके थे ठीक है और इसी रिश्ते से नाखुश होते हुए शीना बोरा ने या इंद्रानी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी ने यहां पे क्या किया था शीना बोरा का यहां पे जो है वो मर्डर कर दिया था ठीक है क्योंकि इस रिश्ते से कहीं ना कहीं दोनों लोग जो है वो आ, खुश नहीं थे इसके साथ साथ यहां पे ये भी बताया जाता है कि कुछ इनके बीच में फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स भी हुआ करते थे जहां पे शीना बोरा जो है अपनी मदर से शायद कुछ जिद करती थी कि मुझे मुंबई के अंदर में आप एक फ्लैट वगैरह दिला के दीजिए और उनके नाम पे शायद एक शीना बोरा के नाम पे एक फ्लैट भी था जो कि शायद उनके स्टेप फादर पीटर मुखर्जी ने बिना उनसे पूछे बेच भी दिया था उसको हटा भी दिया था तो ये कुछ रीजनस है जिसकी वजह से बताया जाता है कि शीना बोरा और इंद्रानी मुखर्जी के काफी लड़ाई झगड़े भी होते थे और इसी बेसिस पे शीना बोरा लास्ट के अपने दिनों में इंद्रानी मुखर्जी को ब्लैकमेल भी करने लग गई थी अगर आपने मुझे मुंबई में फ्लैट वगैरह जो है वो नहीं दिला के दिया या आपने ये सारी डिमांड्स पूरी पूरी नहीं की तो मैं पूरी दुनिया के सामने ये बात से तंग बताया जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने यहां पे क्या किया अपनी बेटी का मर्डर कर दिया बाकी देखिए आप नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे क्योंकि उसमें खुद इंद्राणी मुखर्जी उनके मुंह से अगर आप सुनेंगे तो उनका तो यही कहना है कि मुझे एक कुछ भी गलत नहीं किया है के मुखर्जी जो कि शीना बोरा के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे आ, उनके, उनसे शादी करने वाले थे तो देखिए राहुल मुखर्जी का यहां पे यही बताना है कि मुझे स्टार्टिंग से ही सारी चीजें यहां पे फिशी लग रही थी मतलब इनका यह भी कहना है कि इंद्राणी मुखर्जी ने इनफैक्ट यह भी किया था कि वो शीना बोरा के फोन से उनकी ईमेल आईडीज वगैरह से लोगों को मैसेजेस वगैरह भेजा करती थी ताकि लोगों को ये शक ना हो कि शीना बोरा एग्जैक्टली गई कहां ठीक है तो राहुल मुखर्जी का तो देखिए यही मानना है कि इंद्राणी मुखर्जी ने ही यहां पर क्या किया है मर्डर किया है अगेन इसको आप सर्कमस्टांशल एविडेंस कह लीजिए क्योंकि राहुल का यही कहना है कि भाई आखिरी टाइम में शीना बोरा को जो है अपनी मां के साथ ही देखा गया था और उसके बाद से ही वो गायब है और फिर शीना जो है वो वापस लौट के आई नहीं ना किसी का रिप्लाई किया ना किसी फोन का यहां पे रिप्लाई किया ठीक है है और और उनके फोन से और उनकी से ईमेल जो है लोगों को अजीब अजीब टाइप के फोन और मैसेजेस जा रहे थे ईमेल्स जो है वो भेजे जा रहे थे लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि शीना बोरा अभी भी जिंदा है वो यहां पर मरी नहीं है प्लस राहुल मुखर्जी का पूरे केस में यह भी बताना है कि कैसे वो आ, इंद्रानी और पीटर मुखर्जी दोनों को पुश करते रहते थे कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए हमें एफआईआर लिखवानी चाहिए हमें इस मामले में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाना चाहिए लेकिन दोनों ही पेरेंट्स इंद्रानी और पीटर मुखर्जी दोनों ही इस बात को टाल दिया करते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है शीना एब्सुलटली फाइन है उसे कुछ भी नहीं हुआ है वो सिर्फ तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती वो किसी और के साथ चली गई है यहां वो थोड़ा ब्रेक वगैरह जो है वो यहाँ पे लेना चाहती है तो यहाँ पे राहुल मुखर्जी का यही कहना है कि भाई मेरे हिसाब से तो यही रीजन मुझे लगता है कि क्योंकि ये दोनों लोग इन दोनों के इस रिले रिलेशनशिप से यहाँ पे खुश नहीं थे तो यही रीज़न जो है वो बताया जाता है कि इसी वजह से इंद्राणी मुखर्जी ने यहां पे क्या किया है मर्डर किया है प्लस जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक पुलिस के द्वारा एक इंटरेस्टिंग रेवोल्यूशन ये भी किया गया था इस केस में कि 24 अप्रैल 2012 जिस दिन शीना बोरा का मर्डर हुआ था उसी दिन इंद्राणी मुखर्जी ने अपने दूसरे मतलब अपने पहले लड़के को Uh, दूसरे बच्चे को मतलब मिखेल बोरा को जो कि सिद्धार्थ दास से उनका बच्चा था मिखेल बोरा को भी मारने की कोशिश की इनफैक्ट मुखेल बोरा का यह कहना है कि दो तीन बार uh, मेरी ड्रिंक्स में जो है कुछ मिलाने की कोशिश की गई है मुझे मारने की यहाँ पे जो है वो कोशिश की गई है प्लस मिखेल बोरा भी इस बात को जो है वो uh, सबस्टैंशिएट कर चुके हैं कि मेरी मां ने इंद्रानी मुखर्जी ने मुझसे भी कई बार बोला था कि मैं शीना बोरा को यह बात समझाऊं कि उन्हें राहुल मुखर्जी से अपना क्या कर देना चाहिए रिश्ता जो है वो खत्म कर देना चाहिए तो ओवरऑल लाइक आई सेड कि इस केस का ट्रायल तो अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है ठीक है लेकिन ओवरऑल तो यही बताया जाता है कि यही इस केस का मेन यहां पे मोटिव था अब देखिए एक बार यह देख लेते हैं कि खुद एक्यूज का भी यहां पर क्या कहना है देखिए अगर आप नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में भी इंद्रानी मुखर्जी खुद यही कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इनफैक्ट इंद्राणी मुखर्जी ने पुलिस के साथ जब इनका शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुआ था 2015 में तब भी संजीव खन्नो ड्राइवर ड्राइवर ने अपने क्राइम को कबूल कर लिया था एक्सेप्ट कर लिया था इंद्राणी मुखर्जी तब से लेके आज तक यही कहती आई हैं कि शीना बोरा जिंदा है शीना बोरा मरी नहीं है ठीक है और मैंने शीना बोरा को यहां पर नहीं मारा है लेकिन सीबीआई और पुलिस का यहां पर यह कहना है कि ये झूठी कुगडप बातें हैं जो कि अः इंद्रानी मुखर्जी जो है वो यहां पे करती हैं। इनफैक्ट अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ेंगे जाके आर्टिकल्स वगैरह तो उसमें यहां पे ये भी बताया गया है कि आ, शीना आ, इंद्रानी मुखर्जी ने कई बार ये भी बोला है कि शीना बोरा को कश्मीर में देखा गया है दल लेक के पास उनको किसी एयरपोर्ट के पास जो है वो देखा गया है इन्होंने कई बार सीबीआई को लेटर भी लिखा है कि आप इस मामले की आप इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करिए मेरी बेटी जिंदा है शीना बोरा इज अलाइव यहां पे तो खैर वो अपने आप में एक अलग कॉन्स्पिरसी थ्योरी है कि इस शीना बोरा अलाइव लेकिन देखिए सीबीआई वही बोलता है कि जो डेड बॉडी के जो स्कल्स वगैरह मिले थे जो हड्डियां मिली थी जंगल से जिनको इन्होंने जला दिया था उस 2015 में जब वो बॉडी आपकी निकाली गई थी और उसका जब पुलिस ने डीएनए वगैरह सब कुछ मैच किया था तो पुलिस ने बोला कि हम तभी समझ गए थे कि शीना बोरा ना तो यूएस गई है शीना बोरा कहीं नहीं गई थी शीना बोरा जो है वो मर चुकी है, डेड, इसका प्रूफ है यहां पर तो खैर देखिए अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट दो में आपका यह हुआ था कि क्योंकि शीना बोरा आ, आ, इंद्रानी मुखर्जी ऑलरेडी छह साढ़े छह साल से जेल के अंदर में थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको यहाँ पे बेल ग्रांट कर दिया इनकी वकील आ, वही है सना रईस खान जिनका बीच में अभी बहुत एक अलग कंट्रोवर्सी उठी थी आ, जो कि बिग बॉस में गई थी सना रईस खान जो है वही इंद्रानी मुखर्जी की वकील हैं जिन्होंने इनको बेल यहाँ पे दिलवाई है एंड दिस इज एन एक्चुअल स्क्रीनशॉट तो लाइक सेट देखिए ये ना इसलिए भी और ज्यादा खास हो जाती है इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इसमें खुद इंद्रानी मुखर्जी भी है मतलब उनको भी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर में लिया गया है तो इस डॉक्यूमेंट्री को जब आप देखेंगे आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इंद्रानी मुखर्जी का क्या कहना है मर्डर केस के बारे में और राइट सो गाइज आई होप इस सेशन के थ्रू आपको शीना बोरा मर्डर केस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बाकी जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था दैट स्टडी आई क्यू जुडिशरी का <clears throat> एक लाइफ फाउंडेशन बैच है बैच नंबर सिक्स जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को देन आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो जहां पे आपको प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में और इस बैच का प्राइस अभी भी कम ही है इट्स बाइस इट्स ट्वेंटी टू फोर डबल नाइन हजार चार सौ निन्यानवे यानी कि ढाई हजार रुपए सस्ता ये बैच आपको दिया जा रहा है सो so, अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं दिस इज वॉट यू हैव टू डू कि यहाँ पे ये बैच है स्टडी आई क्यू जुडिशरी की वेबसाइट पे आपको बाय पे क्लिक करना है बाय पे जाके यहाँ पे एड प्रोमो कोड लिखा है इसके ऊपर क्लिक करिए और लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखिएगा एक बॉक्स होगा एंटर कूपन कोड सो यहां पे जाके टाइप कर दीजिए ए आर जे मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर और इसको अप्लाई कर दीजिए एंड अप्लाई पे क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो बाईस चार सौ निन्यानवे का ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा अगले दो सालों के लिए तो बैच ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुका है अगर आपको एनरोल करना है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए बाकी गाइज सेशन अगर आपको अच्छा लगा है डू लाइक इट डू शेयर इट एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो आल सी यू गाइज सून तब तक के लिए so, टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय